अब एक टेबल बना लूं, एक तरफ लिखो क्वेश्चन, और एक तरफ लिखो ठीक है। पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड से पूर्णतः डिवाइज डिविजिबल हो जाए। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इसका ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड का एलसीएम निकाल देंगे हम ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगी ये चीजें, लेकिन चैप्टर खत्म होने वाला है 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आंसर आएगा? तीसरा सवाल, या छोटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स एलसीएम खत्म। कोई पैटर्न होगा सवालों का इस चैप्टर में, एलसीएम से अगर कोई सवाल बनेगा तो वो ये 3 सवाल होंगे ठीक है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं चैप्टर खत्म ठीक है। कैसे? तुमसे पूछा जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5, 10 और 15 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो तुम क्या करोगे? 5, 10 और 15 का क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे। अब 3 की जगह 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है ठीक है। हमने तो एक एग्जाम्पल लिया है 3 का, वो संख्या कितनी भी हो सकती है। तो सवाल कैसे आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5, 10 और 15 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हो। तो हम क्या कर देंगे कि भाई 5, 10 और 15 का क्या ले देंगे? एलसीएम ले देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है। दूसरा सवाल क्या बनेगा इस चैप्टर में कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5, 10 और 15 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाए। भाई आर की वैल्यू क्या आ गई हम यहाँ पे? 3 आ गई। तो हम क्या करेंगे कि भाई 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसमें हम क्या कर देंगे? जो शेषफल है वो जोड़ देंगे ठीक है। तीसरा सवाल क्या बनेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो एक्स वाई जेड से विभाजित होने पर क्रमशः ए बी और सी शेष बचाए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है किसका? एक्स वाई और जेड का। तो वो तो ऐसे ही लेंगे जैसे हम पहले लेते हैं, उसमें से घटाना क्या है कि
के घटाना है। मान लो होगा क्या कि मान लो ये संख्याएं हो जाएं 5, 10 और 15, ठीक है। अब घटा क्या दे वो कि यहां एक एक शेष बचा दे, यहां क्या बचा दे आपका 6 शेष बचा दे और यहां 11 शेष बचा दे, ठीक है। तो ये एबीसी का मान हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आएगी कि 5 में से 1 घटाओगे, 10 में से 6 घटाओगे और 15 में से 11 घटाओगे। और देखो जब तो k बराबर क्या आएगा, x माइनस ए बराबर y माइनस बी बराबर z माइनस सी, मतलब प्रत्येक केस में आपका जो ये शेष आएगा वो सेम आएगा हर बार, ठीक है। तो ये तीन तरह से सवाल पूछता है। इसमें ये क्वेश्चन बनाया है मैंने कि आपसे जो सवाल पूछेगा वहां x y z की जगह तो क्या आ जाएंगी 5, 10 और 15 नहीं, x y z तो ये मैंने कॉमन नंबर लिए हैं, यहां तो नंबर आएंगे हमारे पास। अब x y z का एलसीएम थोड़ी ना ले लेंगे हम, वहां तो x y z ही आएगा, वहां नंबर थोड़ी ना आएगा। इनकी जगह तो आपको सवाल में नंबर मिलेंगे कि जैसे मैं बता नहीं रहा था अभी कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5, 10 और 15 से पूरी पूरी कट जाए, तो तुम क्या करोगे ऐसे में 5, 10, 15 का एलसीएम ले लोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में वो कह देगा 3 शेष बचा दे, तो r की जगह किसने ले ली, अब 3 ने ले ली। ऐसे यहां हो जाएगा कि 5, 10, 15 से डिवाइड करने पर 1, 6 और 11 शेष बचाए, तो कंडीशन क्या आएगी हमारी, फिर ये वाली आ जाएगी। अब जैसे सवाल लिखो, पहला देखो जब किताब में आप देखोगे ना तो टाइप नंबर 3 होगा ये, ठीक है। क्यों है टाइप नंबर 3, क्योंकि किताब में पहले एचसीएफ पढ़ा रखा है, ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं पहले एलसीएम पढ़ रहे हैं। तो टाइप नंबर 3 से शुरू होगा आपकी किताब में, क्योंकि भाई किताब में पहले पहला टाइप एचसीएफ का है, दूसरा भी एचसीएफ का है, तीसरा जाके एलसीएम का आ रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 तथा 27 से 18, 21, 24 तथा 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा सवाल है, पहला ही है ना, यही तो है भाई, इनकी जगह किसने ले ली अब 18, 21, 24 और 27। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, सीधा सीधा इन चारों का एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम तुम भाग विधि से भी ले सकते हो, ट्रिक वाली विधि से भी ले सकते हो। भाई देखो 18, 21, 24 और 27 अब अगर हमें गुणनखंड विधि से करना है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 9 बार, ये नहीं कटेगा, ये ऐसा ही, ये 12 बार, ये भी नहीं कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, ये 9, ये 21, ये 6 और ये नहीं जी 1512 आएगा। अब काट लेंगे, वो बात बराबर ही पड़ती है, देखो बराबर ही पड़ेगी, वो बाद में कट जाएगा, लेकिन एक सीक्वेंस लेके चलो ना तुम, गुना करने में भी आसानी होगी। अब 3 से कटेगा, 3 × 3 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, फिर 3 से कट जाएगा 1, 7, 1, 3, फिर 3 से कटेगा 1, 7, 1, 1। अब क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है तो वो खुद से ही कटेगा, सारे नंबर क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। गुना करेंगे किसकी, कि 7 × 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 तो 7 × 21, 21 × 63, 63 × 169, ये 2 होगा और 2 × 2 = 4, 8 × 9 = 72 का 2, 8 × 8 = 64 और 7 = 71, 8 × 8 = 7
अब यही सवाल अगर हमें ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे? तुम्हारे सामने नंबर क्या है? 18, 21, 24 और 18 वो वाला नहीं, जो जैसे भाई 18 को क्या लिख सकते हो तुम, और ये क्या होता है, ठीक है, 21 को क्या लिखोगे, 24 को क्या लिखोगे, है जी, 12 दूनी 24, 8 किया 24 नहीं लिखोगे? हाँ, तो क्यूब में निकाल, मतलब पावर भी तो निकालनी है ना हमें। अब 12 में 4 और 3 2 है, लेकिन 8 में तो 2 की पावर 3 ही है ना, और 3 रह जाएगा। 9 तिया 27, या 9 तिया 27 क्यों, ये तो खुद 3 की पावर 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर उठाओ, कौन सी है, 3 की पावर 3 कितनी आ जाएगी, 27। अब जितने भी 3 है सब खत्म हो जाएंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। अब क्या बचा, 2 की पावर 3 कितनी होती है, ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया, कर लो, 8 सत्ते 8 दूनी 16 और 5, 7 छिंग 7 एकम 11 7 दूनी 14 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा, ज्ञात कीजिए जिसमें 36 45 63 और 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। वो 9 और 2 कितने कितने नंबर है, 36 45 63, तो ये तो बन जाएगा देखो आपका 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर इंटू 5, ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 7, और ये बनेगा तुम्हारा 5 गुना 3 गुना 2 का स्क्वायर, ये बनेंगे इसके फैक्टर। बताओ सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2 है ना, कितनी होती है, अब सारे 3 खत्म, ठीक है, अब क्या है, 2 की पावर, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। अब 5 कितने हैं, तो 1 लेंगे, और 7 कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 9 सत्ते और 63 दूनी, तुमने क्या छोड़ दिया, 5 2 बार ले लिया क्या, जो 2 है वो 1 लेना है, जो अकेला है वो अकेला ही रखना ही रखना है। नेक्स्ट सवाल लिखो, 4-5 लाइन छोड़ देना, 5-6 सवाल लिखो एक साथ। 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है, विषम संख्याओं वाला कौन कौन सी होती है। देखो 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की गुना करो या भाग करो कुछ नहीं होता, तो 3, 5, 7, 15 तक ही है ना। अब जब डिवाइड करेंगे, 1, 5, 7, 3, 11, 13, 5, फिर 3 से हो जाएगा, 1, 5, 7, 1, 11, 13, 5, 1, 1, 7, 1, 11, 13, 1।
अब देखो सारे नंबर या तो 7 से कटेंगे या 11 से कटेंगे या 13 से कटेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या है। 3 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 ये बने, क्योंकि भाई बाकी देखो सुनो, ये नहीं है कि हमें पूरा ही सोल्व करना है, हमें पता है नेक्स्ट वाले नंबर पे 7 ही कटेगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 11 है तो 11 से ही कटेगा, 13 है तो 13, तो अपने नंबर लिख लो सीधे सीधे, जरूरी थोड़ी है वो 1-1 बना के कुछ दिखाना है हमें। तो 3 × 9 9 × 5 45 45 × 11 7 77 × 13 तो ऐसे बनेगा ये, इसका आंसर आएगा 45 0 45 शायद।